कॉन्फ़िगर करके रख जाएंगे इसे, आईपी आप डाल के बाद रखने। में आप जो उस लैपटॉप से हटाओ उसमें लगा देना डायरेक्ट, ठीक है, ठीक, ऑन हो जाए बस ये। दादा आईपी बता दो आप, हम इसमें कन्फिगर कर देते हैं, आईपी देख लो दादा क्या है, फिर बाद में कुछ भी होगा वो चेंज कर देंगे ना। कितनी कौन सी आईपी है? बता दे 200 1 पीछे हैं। चलो ठीक है, 201 की 6 है ना, चलो कन्फिगर कर देते हैं फिर बाद में ही लगा लेंगे, और कॉल कर देना हमें, मैं कटवा देंगे हम। मैं PPOP पे करना था ना इनका। अरे कोई नहीं यार, इनका चलना चाहिए और क्या चलो है। ठीक है, किस पर जाना था? 201 का 6 था ना। अरे देख लेंगे लैपटॉप में इंटरनेट। जैसे कि आप राउटर कॉन्फ़िगर करोगे तो राउटर के पीछे उसका नाम, पासवर्ड और यूज़र आईडी लिखा होता है सब कुछ, और उनकी आईपी एड्रेस, आईपी भी लिखी पड़ी है। जैसे कि मेरे फ़ोन में तो ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो गया क्योंकि हम तो करते ही रहते हैं कॉन्फ़िगर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, आईपी एड्रेस डालने का मेरे को कोई हुआ ही नहीं क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक खुल गया। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे एडमिन एडमिन स्मॉल में, और नीचे भी एडमिन स्मॉल में, फिर लॉगिन कर देंगे, राउटर का पेज खुल जाएगा लॉगिन का। और फिर आपको PPOP पे कनेक्शन है कि आपका आईपी पे कनेक्शन, वो उसके हिसाब से करना पड़ता है कॉन्फ़िगर। आईडी बताओ लो जल्दी MERAJ MERAJ1 B1 12 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
डबल फोर्टी है ना। हाँ 5 डबल 4 5 डबल 30 पहला पासवर्ड पूछो क्या रखना। पासवर्ड डालो तुम मेराज एट द रेट एम ई आर ए जे आर ए जे एट द रेट एट द रेट डालो बस तुम्हें काम करो डालो क्या डालना बताओ एट द रेट के बाद हैश पड़ेगा नहीं हैश नहीं आ रहा वो नंबर बताओ क्या 9810 डाल लो चलो 9810 ठीक है बस इतना मारो याद रहेगा वहाँ आ गया ड्रेन हो गया नेट चल रहा था प्रॉब्लम राउटर कर गया पता है। जैसे कि भी आपने देखा कि मैंने अभी इनका राउटर का पासवर्ड तो चेंज कर दिया मगर नाम रह गया SSID, तो उसे मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ फिर उसके बाद इनका नाम भी चेंज कर देता हूँ SSID, जो इन जो कस्टमर बोलेंगे वही नाम रख दूंगा मैं वाईफाई का। तो अभी मैं अपने फ़ोन में सर्च कर रहा हूँ और सर्च करने के बाद कनेक्ट करने के बाद इनका नाम भी चेंज कर दूंगा, पासवर्ड तो मैंने चेंज ही कर दिया। जैसे कि आप भी इस तरह से कर सकते हो अपना राउटर कन्फिगर। और वीडियो देखने के लिए अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बस कितनी कम रेंज आ रही है? नहीं रेंज ही बहुत रेंज कम इनके डॉक्टर सामने बैठ जाता है वहाँ नहीं चलता बहुत कंप्लेंट करी है कहते ये इतनी रेंज है तो सिंगल टू फोर फोर का तो इतनी रेंज आएगी आपके यहाँ तक आई काफ़ी है। ये जब चला था ना उस टाइम के लिए बहुत अच्छा खासा था। डुअल बैंड गीगाहर्ट्ज़ में जो दो वायर है दो वाले क्या उसकी रेंज एंटीना से मतलब नहीं होता। दोबारा पासवर्ड बताना एम ई आर ए जे एट द रेट 9810 नाम भी चेंज करना है ना इसका एम जे कर देना एम जे डाल दो बस चल गया डॉक्टर सर। अब इसके एक्सपायरी डेट आ रही है समझ लो तरफ से मरने वाला है सही कर कनेक्ट। ये राउटर जो है ना उधर ही नहीं देखते नया आएगा पहले थोड़ा सही से दूर कर देते नहीं तो इतना फास्ट में नहीं रह गया। अब तो डीलिंग वाला राउटर
जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे जैसे नाम चेंज करूँगा इनका SSID जो इन्होंने कस्टमर ने बोला मुझे MJ, जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा ऑटोमेटिक मेरे फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनका नाम चेंज हो गया। उसके बाद मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कस्टमर ने मुझे पासवर्ड बताया उसको पासवर्ड जैसे मैं डालूंगा मेरे फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी जितने भी इनके डिवाइस उनमें जैसे है, बाकी जो डिवाइस में इनमें पासवर्ड डालेंगे सब डिवाइस में कनेक्ट हो जाएगा। अब वो तो गया, बस एक बार इसमें चला के देख लेना, उसके अंदर आके बैठा नहीं छोड़ देना, एक बार देखो कितना उसे कनेक्ट करोगे। वो तो लैन पे पड़ा होगा तब जाके दिक्कत आएगी ना IP, वैसे तो चल जाना चाहिए। नहीं चलता फिर नाम देखो सो कर रहा है आपका आ गया, पासवर्ड डाल दो। हो गया, बैक कर दो, चेक करो कनेक्ट हो गया, एक्सेस करके देखो कुछ दौड़ेगा। आप IP हटानी पड़ेगी क्या? नहीं, IP नहीं हटानी पड़ेगी क्योंकि IP हटाना अंदर क्या, IP हटाना हटा दो। IP मतलब इसके अंदर IP पड़ी है ना, वो प्रॉपर्टीज में पड़ी है ना, IP हटा दो। अरे इसमें वो लगा रखा है ना उन्होंने, क्या नाम है उसके, वजह से भी दिक्कत कर रहा है वो। ये क्या लगा रखा है? अरे क्या कहते हैं ऐसा, वो जो ऑन ऑफ करते हैं। हाँ वो तो इनका लगा होगा, वो उनको हटानी पड़ेगा। वो चीज़ों को पता होगा अपने हटाते रहेंगे। अरे क्या कहते हैं उसे, जो PUBG चलाते थे जिससे। हाँ हटा दो सारी IP, अब चल जाएगा सही। चलिए देखो, गेमिंग लैपटॉप है, वैसा था नहीं, गेम के लिए खरीदा हूँ सिर्फ। कुछ देखो यूट्यूब को भी चाहिए। चलिए रोटर को उधर रख दो, हिलाना उलाना नहीं, उठा कर रखो। एक हम लोग फंसे थे ना तो आपका काम बहुत जल्दी कर देते। आप इतने कॉल भी नहीं किए उस दिन, हम सोचे कॉल करोगे आप। और नीचे रखते हो ना? हाँ ठीक है, कोने में रहेगा और कोई दिक्कत है नहीं। वैसे उसको पिन करना एक बार, चल हो जाए, बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा, चल रहा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कनेक्ट है दादा। नहीं वो वाईफाई संभल आएगा तभी होगा ना। हाँ वाईफाई कनेक्ट कीजिए सर, ऑन ऑफ हो गया था ना। चल गया, चल गया, बैक कर दो। हाँ चल गया, नीचे वो साइन आ गया, चेक कर लीजिए आप। ठीक है चलो, ठीक है चला जाओ।